Hey guys, welcome back to another gameplay. तो guys, आज हम खेलने जा रहे हैं थीप पजल। तो थीप पजल में guys, अपने को ये स्टोरी की से इसमें एक थीप्स एंड थीप्स को अपने सारे बहुत सारे गिफ्ट्स भी करने हैं, इसको चुराने हैं और इसको करना है लेवल कंप्लीट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थीप पजल की। ये guys अपनी आ चुके लेवल वन एंड लेवल वन में काफी इजी बता रखा है इन्होंने। इसको थीप्स को जो कि छोड़े उसको एक बैग को चुराना है, तो ये काफी इजी लेवल, इसको अपन काफी इजीली पार कर सकते हैं एंड काफी इजीली कर सकते हैं। चलिए भाई, इसका तो एक काफी इजी था ये लेवल, इसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई पार करने में। और ये कंग्रेचुलेशंस, ये अपन पहली लेवल कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये अपना आएगा सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में जो एक दादी माँ का पर्स चुराने का, तो इसको करते हैं सेकेंड लेवल कंप्लीट। जो कि सेकेंड लेवल भी बता रखा है तो काफी इजी होने वाला है अपने के लिए। ये सेकेंड लेवल भी शायद अपन कंप्लीट हो ही गया है और ये दादी माँ का पर्स गया है, चोरी हो चुका है। परफेक्ट फॉर दिस सेकेंड लेवल, इसलिए अपन पार कर चुके हैं। एंड ये थर्ड लेवल में गर्ल्स अपने को ना इन दोनों का एक बास्केट चुराना है जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से थैला भरा हुआ है, जो कि अपन थर्ड लेवल भी काफी इजीली था, जो कि अपन कंप्लीट कर दिए हैं। थर्ड लेवल भी काफी इजी बोरिंग नहीं था एंड ये अपना आ चुका है फोर्थ लेवल। और फोर्थ लेवल में जो कि एफएल टावर के बीच में एक सेल्फी ले रहा है, उसकी अपनी बैग लेना है, तो ये फोर्थ लेवल भी इजीली कंप्लीट हो चुका है। जो कि ये सेल्फी लेने के चक्कर में अपना पर्स उड़ गया और अपने इसकी बैग गायब। और ये गर्ल्स आ चुके हैं फिफ्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल पे अपने को एक जो चोर है वो चोरी कर रहा है और उसके चोर को से अपने से चोरी करना है। गाइज ये भी काफी इजी था बट ये अपना कर चुके हैं। एंड इसमें गाइज अपने को ना एक मोती रखा हुआ है जो कि डायमंड से वगैरह या फिर गोल्ड वगैरह जो कोई भी है उसको अपने को करना है चोरी। पहले तो अपन यहाँ से करते हैं इधर से, और इधर से नहीं होने वाला है गाइज। पहले बकेट की इधर से भी नहीं होना है। और ये भाई अपने गए, ये लेवल नहीं होने वाला है। सिक्स लेवल थोड़ा सा हार्ड है और ये भी अपना गाइस फिर से करना पड़ेगा अपने को। एंड ये पहले तो अपन करते हैं, पहले तो ये बॉल रखा हुआ उधर आएंगे, उसके बाद गाइस अपने को आना पड़ेगा ये मोती रखा हुआ है वहां पे, तो पहले तो ये करते हैं। एंड भाई अभी भी पकड़े गए भाई, थोड़ा सा भी टच कर नहीं करना है उनमें, बिल्कुल टच किए बगैर अपने को लेना है। इसको तो पहले अपन करते हैं, फिर इधर से आना पड़ेगा और शायद अपन इस पर कंप्लीट कर देंगे। यस, इसलिए भाई थोड़ा सा हार्ड था सिक्स लेवल, बट उतनी भी हार्ड नहीं था जितनी अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिक्स लेवल भी गाइस अपन इजिली पार कर चुके हैं एंड ये सेवेंथ लेवल पर है, जो कि अपने को इसको की डोर लेना है इससे। भाई पकड़े गए इसमें भी पकड़े गए गाइस, बट इसमें उप्स आ गया है। और ये सिक्स सेवेंथ लेवल में भी इजिली है, थोड़ा सा मतलब बिना टच के हुए अगर आराम से ले सकते हैं। एंड ये सेवेंथ लेवल भी अपनी हो चुकी है कंप्लीट। तो गाइस अभी आने वाला है एट लेवल एंड कंग्रेचुलेशन भाई, अपनी गेट खोल के उसी पे मुंह पे मार दिया है एट लेवल पे। गाइस ये दोनों कपल्स है एंड इन कपल्स के बीच में अपने एक रिंग चुराने जो भी ये प्रपोज कर रहा है, और बिने मतलब इसे भाई इधर से तो नहीं होने वाला है भाई। अपने को पानी को भी टच बिना टच किए बगैर अपने को वो रिंग को चुराना है जो कि प्रपोज रिंग रखा हुआ है टेबल पर, उसको दोनों कपल्स के बीच में अपने को भंग डालना है। वैसे फिर से अपन पकड़े गए और अपने बिना पकड़े हुए जाने अपने को लेना है। पहले तो ये झाड़ी के पीछे से शायद अपन ले सकते हैं, बट झाड़ी के पीछे पहले या गाइस अपने को ना पहले झाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा हाथ को, एंड पहले झाड़ी के पीछे से तब उसको रिंग को लेना पड़ेगा, जो कि अपन इस बार ले सकते हैं काफी इजीली है। बट नहीं, थोड़ा सा बच गया अपना रिंग जो कि अपने लेने वाले थे, बट इस बार अपन इजीली ट्राई करेंगे और इस बार ले सकते हैं अपन। इस बार बिना पानी के टच करे, यस इस बार गाइस इस बार अपना मिल चुका है रिंग जो कि कपल्स रिंग था वहां पे, और वो एक्सीलेंस। ये गाइस सिक्स में अपने को गाइस यहाँ पे खजाना रखा हुआ है जो कि अपने को लेना है। इसको तो पहले यहाँ करते हैं, और ये खजाना इजिली अपन, ये कोई हार्ड नहीं था बट चलो ये अपन नाइन्थ लेवल पार्ट कर चुके हैं। एंड इसमें 40 लेवल तक गाइस अपन खेलने वाले हैं जो कि काफी मजेदार होगा। एंड ये अपन आ चुका है 10th लेवल, जो कि यहाँ पे नहीं यहाँ से नहीं लेना था अपने को, थोड़ा सा घुमा के लेना पड़ेगा जो कि ये बॉक्सिंग से बच के लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मीट पका रहा है यहाँ पे, एंड उसको अपन को लेना है।
तो पहले तो यहाँ से अपन सीधा भी नहीं ले सकते और यहाँ से अपन बॉक्सिंग के नीचे से भी नहीं ले सकते, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वैसे अगर अपन चाहे गाइस यस अपन नीचे से ले सकते हैं या बॉल के नीचे से, बट ट्राई करते हैं पहले। यस यहाँ से अपन इजिली ले सकते हैं, बस इसमें टच नहीं होना चाहिए। नहीं 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 गाइस, अपने को बिना टच किए हुए अपने को लेना है, बिना टच किए हुए अपने को वहां से लेना है। यस इस बार ले, इस बार हो जाएगा, इस बार मेरे को लगता है हो जाएगा। यस यस इस बार गाइस, लेकिन बट उसका हाथ जल गया। हाँ उसका हाथ जल गया गाइस, उसकी इसलिए अपन ले तो लिए बट उसका बॉक्सिंग में बिना टच किए हुए लेना था। इसमें इसे जो कट रहा है ना, इससे अपने को बच के इसका गिफ्ट बॉक्स लेना है गाइस, जो कि ये पहले तो ये रोलर को पहले पास करने देते हैं और इसमें हाथ लगा के ये बिल्कुल इजी था गाइस। 11th लेवल भी अपना हो चुका है और ये 12th लेवल में गाइस अपनी को जो बकेट रखा हुआ है फिश से बड़ी हुई उसको लेना है और ये भी काफ़ी इजी है, जो कि कोई परेशानी नहीं हुई। बस इसमें भाई ये यस फिश पकड़ा है भाई, ये चुराया और फिश पकड़ा है। 30 लेवल पे है गाइस, जो कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हीरे की रखवाली कर रहा है एंड वहां से अपने को हीरे को चोरी करना है। ये भी इजी था 30 लेवल, इसमें कोई कुत्ता हार्ड वाला स्टेज नहीं आ रहा, बस इजी होते बस मस्त इजी स्टेज आ रहा है, इसमें कोई इतनी हार्ड तो है नहीं। और इसमें अपने को इस बर्थडे बॉय से लेना है केक, जो कि अभी भी लगता है अपने को भाई थोड़े से बच गए वरना अपना भी हाथ कट जाता बिल्कुल भी, लेकिन बट अपन इसको कर चुके हैं कंप्लीट एंड ये बर्थडे बॉय से अपना केक मिल चुका है। अपन करने वाले हैं 40 एंड 50 में। ओ भाई अपने को थोड़ा सा फास्ट करते ना, थोड़ा सा पहले ले लेते तो गाइस अपन बच जाते, बट इस बार अपन ले लेंगे। यस अपने जो रोलर था ना वो जो दो आ रहा है उसके बीच अपन फटाफट लेना है एंड यहाँ पे अपने को लेना है कार लेना है और ये बॉल पास होने से पहले अपने को बॉल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है शायद। यस इसमें बॉल बिना टच किए हुए बगैर लेना है, बट गाइस अपन थोड़ा सा लेट कर दे, थोड़ा सा अपन आगे जाते ना तो ये बॉल को बिना टच किए हुए अपन ले सकते थे। अपनी को जो कार है ना ऊपर, ओ अपन गाइस इस बार भी गए बॉल काफी फास्ट आ रहा है। यस भाई यार नीचे जल्दी बस हो चुका है 16 लेवल कंप्लीट एंड 70 में अपने को कुछ खास या फिर कुछ यूनिक मिलने वाला है, जो कि यहाँ तक तो काफी मतलब इजीली गेम मिला था एंड यहाँ पर 7th में भी अपने को कोई मुश्किल वाली नहीं है, बस यहाँ पर पत्थर के लकड़ी के पीछे से जाना है और ये बुलेट जैकेट अपने को लेना है जो कि काफी अच्छा है और इसका बुलेट जैकेट ये पहने और ये सर्दी में अपने हंस रहा है गाइस, इसको ध्यान रखना चाहिए अपने बुलेट जैकेट या सेल्फी लेने के चक्कर में अपना बुलेट जैकेट। और इसके अपने को फॉक्स से चलो किंग का ताज भी चुराना था वो अपनी इजिली चुरा चुके हैं एंड यहाँ पर भी कोई खास मतलब इतनी कठिनाई वाली गेम नहीं थी एंड इसमें गाइस यहाँ पे अपने इसको जॉम्बी से बच के इसको गेट को करना है खोलना है। नहीं इधर से अपन नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि इधर से जाएंगे तो जॉम्बी अपने को देख लिया है एंड इधर से जॉम्बी को बिना टच किए हुए जाना है। यहाँ यस यहाँ से अपन जाके खोल दिए हैं यहाँ पर जॉम्बी के गेट, जो कि जॉम्बी यहाँ पर क्वाली कर रहा था गेट को वहां से खोलना था और ये कुत्ते के आगे से अपने को इसके मीट चुराना है, जो कि ये कुत्ते का मीट चुराना है जो कि मेरे को लग रहा है इजली है अपन गमला की। यस यहाँ पे इजली था कुत्ते का, यहाँ पर अपन मीट चुरा चुका है, कुत्ते अपने पीछे भाग चुका है। यहाँ पे भाई क्रेंजर कुत्ते का अपन मीट चुरा लिया और ये गाइस आलसी यहाँ पे सो रहा है, बट अपने यहाँ आलसी का यहाँ पे केक चुराना है जो कि अपन पंखी के पीछे से नहीं ले सकते हैं, अपने को कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि बिना पंखी को टच किए हुए अपने को यहाँ पर लेना पड़ेगा। यस नहीं तो अगर पंखे में टच करते तो अपने को लगते हैं इलेक्ट्रिक, जो कि बिना इलेक्ट्रिक लगे हुए अपने को ये लेना है तो अरे यार नहीं यहाँ से भी अपन नहीं ले सकते, अपन को लेना पड़ेगा गाइस कि पंखे को बिना टच के हुए और गमले के पीछे से अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर से लेते हैं तो कुछ टच हो जाएगा एंड यहाँ पर ट्राई करते हैं। यस जी यहाँ से अपन बिल्कुल इजीली तरीके से ले चुके हैं, जो कि इसको बिना टच के हुए ये सो रहा था और इसकी केक हो चुके हैं यहाँ पे गैर और अपन आ चुके हैं गाइस 22 लेवल पर। 22 लेवल पर अपने को ये फ्लैग से कुछ है उसको चुराना, जो कि इजिली है बट यस इजिली था गाइस 22 लेवल काफी इजी था, यहाँ पर अपन 22 लेवल कर चुके कंप्लीट और ये खजाना था बिल्कुल खजाना।
और 23 में अपने को भाई जेल में बंद है और इस गार्ड से अपने को लेना है चाबी, और ये हो सकता है इजी होगा। नहीं, पहले को अपने ऊपर जाना पड़ेगा, फिर बिना टच किए हुए लेना पड़ेगा। यस, अरे पकड़े गए गाइस, पकड़े गए अपन। और ये कुत्ते पीछे छोड़ दिया अपने, यहाँ पर पकड़े गए थे। लेकिन चलो गाइस फिर से करते हैं कोशिश एंड ऊपर लाइट से अपन आराम से लेंगे नीचे। और ये अपने को रिंग चुराना है बिना टच किए हुए की, और ये अपन की अपन, चलो भाई मिल गया की और अपन निकल चुके हैं इस जेल से। और भाई बिना ट्रैफिक से पास हुए ना, अपने को फोन चुराना था जो अपन ले चुके हैं इजिली। ये भी कोई हार्ड लेवल नहीं था, बस काफी इजी इजी लेवल है इसमें। और इसमें ना अपने को एक जो लेडीज खड़ी हुई है लाइट्स के नीचे, उसका अपना अपने को लेना है पर्स। तो बिना इलेक्ट्रिक को टच किए हुए लेना था गाइस, अपने को इलेक्ट्रिक लग चुके हैं पर बिना इलेक्ट्रिक को टच किए हुए अपने को वो बैग लेना है। आराम से लेंगे बिना इलेक्ट्रिक को टच किए हुए, जो कि इस बैग के नीचे से आराम से ले सकते हैं। चलो गाइस ले लिए, बढ़िया। इसका खड़ी हुई थी सेल्फी ले रहे थे अपने, यहाँ पे उसका बैग ही उड़ा दिया है। और यहाँ पे अपने को गाइस लेना है इसके खजाना को लेना है, जो कि ये गाना गा रहा है और आराम से बैठ के, और इसका अभी पता नहीं है इसको कि अब इसका खजाना गायब होने वाला है। आराम से पहले तो यहाँ से इसके पीछे से जाएंगे। और भाई कभी कभी हाथ कुछ ज्यादा ही लंबा हो जा रहा है, छोटा हाथ से लेना पड़ेगा वक्त। इस बार अपन ले लेंगे क्योंकि ये काफी हार्ड नहीं, काफी इजी है, काफी इजी तरीके से अपन लेंगे। और ये अपन यहाँ पे ले लिए इसका खजाना, अब ये रोएगा, पहले गाना गा रहा था अब ये रोएगा क्योंकि इसकी खजाना हो चुकी है गायब। एंड गाइस ब्रो यहाँ पे आ चुके अपन 27th लेवल पे, और इस डॉगी को काफी बंद करके रखा है जेल में, एंड इस जेल से अपने को इस डॉगी को छुड़ाना है। तो इसकी अपन चलो खोल दिए, और काफी इजी था बट भाई इस डॉगी को अपन चुराते और ये ही अपने पीछे लग गए। चलो कोई नहीं, और भाई ये दो ये बंदे इसके ऊपर बोझ कर रहे हैं, और इसकी गुलदस्ता अपने को यानी कि बकर भूगे अपने को लेना है। भाई अपन इजी नहीं चलते, बंदे ने पकड़ लिया है उसकी बंदी को छोड़ दे, इसलिए अपने को जाना पड़ेगा पीछे। एंड अपने को ऐसा लग रहा है कि सेब के पीछे से अपने को वो भूखे है जो वो लेना पड़ेगा, और ये दोनों पर पहुंच कर रहे हैं, इसके बीच में अपन भंग डालने वाले हैं जो कि काफी मजा आएगा इसमें देखने में। इजी भाई दोनों पर पहुंच गया, इसके अपन बीच में भंग डाल के काफी परफेक्ट मामला हो गया एक बार। ये पढ़ रहा है ये लाइब्रेरी में, एंड ये फोन से पढ़ रहा है, इसकी फोन अपने को लेना है। काफी इजी था बट हाँ ये काफी इजी था, कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया था ब्रो, ये बढ़िया था। एंड ये अपन जा चुके हैं 13 लेवल पर, और इसकी एडिंग है और कुत्ते ने रखवाली कर रहे हैं बट गाइस अपन फॉग जैसे हुआ था एंड वहां से अपने ये रिंग को ले लिया है। यहाँ ये भी काफी जीता है, 13 लेवल पे है। यहाँ पे कुछ समुद्र के किनारे हम नाव में बैठे हुए हैं गाइस, और अपने को ये मटकी को लेना है जो कि पक रहा है, इसमें कुछ खाना वाना पक रहा है। नीचे से अपन ट्राई करते हैं, नहीं नीचे से अपन नहीं ले सकते क्योंकि नीचे मटका रखा हुआ है, उसमें पानी है, तो उस पानी को बिना टच किए अपने को वो मटकी को लेना है जिसमें खाना पक रहा है। अगर फिर से ट्राई करते हैं गाइस बिना उसके छुए तो नहीं, इधर से गाइस अपन नहीं जा सकते थे, इसलिए अपने को दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा उससे मटकी को लेने के लिए। तो पहले तो गाइस अपन आराम से ऊपर से अगर चाहे तो ले सकते हैं, बट ये बंधा हुआ है शायद, ले सकते हैं क्या इसको बंधे हुए तो? यस गाइस बंधा हुआ है, फिर भी इसको हम अपन ले सकते हैं नीचे से, उसकी कोई ट्राई नहीं था बट इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एंड यहाँ पर अपन लगा के इस मटके को गैप कर चुके हैं। तो अब आने वाला है 22 लेवल, और यहाँ पर अपने को इससे दोनों रैकेट है एंड एक रैकेट अपने को इससे लेना है, जो कि ये दोनों बॉल पास होगा इसके बीच से फटाफट लेके। एंड गाइस यहाँ पर अपन कंप्लीट कर चुके हैं 32 लेवल से, क्योंकि बहुत बढ़िया से अपन यहाँ पे इसकी रैकेट यहाँ ले लिए हैं। एंड यहाँ पर 33 लेवल पर गाइस ये लड़की है जो कि कुछ मतलब एलियन वाले होता है ना, उसमें वो फंस चुके हैं, यहाँ से अपने उसको निकालना है, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से अपने को बच के और उस लड़की को यहाँ पे निकालना है, जो कि इधर से अपन ट्राई करते हैं तो शायद निकाल सकते हैं। पहले तो झाड़ी के पीछे से जाना पड़ेगा एंड उस इलेक्ट्रिक वाले शॉक से यानी करंट से अपने को बच के फिर निकालना है। नहीं इधर से अपन नहीं निकाल सकते गाइस, नहीं
अपने को कोई और ही रास्ता लेना पड़ेगा जो कि अपन यस इधर से अपन गाइस निकाल सकते हैं जो कि ऊपर या फिर जो कि मून था एंड मून के ऊपर से अपन गाइस इनको निकाल लिया है अपन जो कि इसकी बंदी थी चेरम जो कि अपन कर चुके हैं कंप्लीट एंड 34 लेवल पे गाइस ये दो कुत्ते को जो गिफ्ट रखा हुआ है क्रिसमस गिफ्ट एंड यहाँ पे क्रिसमस गिफ्ट अपने को लेना है जो कि यहाँ से नहीं ले सकते ब्रो अगर यहाँ पे टच हो जाए तो नहीं ले सकते ये पेंटिंग है पेंटिंग के पीछे से भी नहीं लगते एंड यहाँ पे एक सॉक्स रखा हुआ है शायद सॉक्स के पीछे से अपने हाथ करके फिर इसको हाथ के मोड़ना है और फिर यहाँ से अपन ले सकते हैं शायद यहाँ से अपन ले सकते हैं और ले भी लिया है तो यहाँ पे चुका 34 लेवल क्या कुत्ता बनेगा एक गिफ्ट नहीं संभाल सकता है ये एंड यहाँ पे जो कि अपने को पास करना है यहाँ से अपने को कार से अपने को पास करना है जो कि ये बटन को दबाना है रेड वाले बटन को और उसके बाद पास करना है जो कि इजी है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इजी है और यहाँ से अपने खोल चुके टोल टैक्स नहीं दिया है ये बिना टोल टैक्स दिए हुए जा रहा है ये 36 लेवल पे है यहाँ पे अपने को इस लड़की को बताना है जोम्बी से जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये बट नहीं ये काफी इजी था यहाँ से अपन सीधे सीधे निकालेगा कोई भी अपने को परेशानी नहीं हुआ एंड 37th लेवल पे है और अपने को ये पेंटिंग चुराना है जो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स है वहां से अपने को बच के ये पेंटिंग को चुराना है तो गाइस पहले तो यहाँ से अपने को मुड़ना पड़ेगा हाथ को मुड़ना पड़ेगा एंड बिना रेड लाइन को टच किए हुए यहाँ पे अपने को लेना है गाइस ये पेंटिंग पहले तो आराम से जाना पड़ेगा गाइस इसमें थोड़ा सा भी होगा इलेक्ट्रिक टच एंड यहाँ पर काफ कोई हार्ड इतनी हार्ड नहीं था बट इतना इजी भी नहीं था बट बढ़िया था एंड यहाँ पे अपन 37 लेवल भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड यहाँ पर 40 लेवल अपन खेलने वाले हैं गाइस यहाँ पर बंदे को लेना है जो कि जेब्रा क्रॉसिंग था और दो कार के बीच से क्रॉसिंग होने के बाद लेकिन काफी इजी था बट बढ़िया था और यहाँ पे 39th लेवल पे आने जो इस बंदे को मार रहा है ना उसे अपने को डंडा चुराना है गाइस जो कि इसकी बंदी है नहीं वन पकड़े गए हैं यहाँ पे जो कि अपने को डंडा लेना है तो अपन सीधा भी ले सकते हैं यार हाँ बस बढ़िया था इस फीस से बच के अपने को डंडा लेना था ये भी कंप्लीट हो चुका है एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 39th लेवल एंड यहाँ पर अपने को चुराना है मोमोज कौन चुराता है यार बट अपने को मोमो चुराना है और मोमो चुराने के लिए अपने को पहले तो ये इलेक्ट्रिक लाइन से गुजरना पड़ेगा नहीं नीचे से नहीं जा सकते इलेक्ट्रिक लाइन से कट नहीं इलेक्ट्रिक लाइन में टच नहीं करना था बट अपना हाथ टच हो चुका है लेकिन कोई नहीं फिर से अपन ट्राई करने वाले जो कि मोमो चुराने वाले एंड यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन टच करके शायद अपन ऊपर सीधा नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर वो टच हो ही जाएगा Yes, guys. अपन सीधा हाथ नहीं ले सकते क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक लाइन में टच होने वाला ही है तो अपने को मुंह चुराना है तो उसके लिए तो पहले अपने गाइस सीधा लेना पड़ेगा एंड गाइस यहाँ पर एक केटल लगा हुआ है शायद केटल के नीचे से अपन ले सकते हैं तो गाइस पहले नहीं ऊपर से नहीं ले सकते क्योंकि टच हो चुका है यस केटल के नीचे से ले सकते हैं एंड यहाँ पर अपन मोमो चुरा चुके तो गाइस ये हो चुके हैं अपने 40 लेवल कंप्लीट एंड इसकी आगे की सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इसकी हम निकालेंगे फुल सीरीज तो बाय बाय।